हाँ डाइपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट करते हैं। सारे लोग आ गए हैं क्या आज? सारे लोग आ गए हैं क्या? आज कोई है ही नहीं। हाँ एक नहीं है, दो लड़कियां भी हैं, यही दोनों होंगी ना जो आ रही हैं। अच्छा देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने तो बोला यार, मैंने तो लिस्ट दे दिया है। कौन किसने बोला यार? मॉड्यूल के लिए अभी तक नहीं बोला ऊपर यार, इनके सारे मॉड्यूल आपको लिस्ट दिया था एक नाम का पूरा। मतलब देखो ना, कुछ भी होना तो सामने वाले को फेंक देना है, पर्ची लिख के दे देते हो। आपको दिया था कि नहीं दिया था? मैं लोगों को मैसेज करवा देता हूँ, लिखो मॉडर्न फिजिक्स पर चला गया। मॉडर्न फिजिक्स नहीं, कौन कौन सा है बेटा? कौन कौन सा है? वेव्स, ओसिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर। ओके वेव एंड ओसिलेशन, एंड ओसिलेशन, आइसोलेशन, ओसिलेशन, ओ एस। और ही है, लिख लो ना, आपको बोल ही देना कि निकालते जाए। मतलब ये ना भाई, ये वो करते हैं, ये हाँ, रुको रुको रुको, ये नहीं, ये किसी और बच्चे के। एसएचएम भी उसी में आ जाएगा साथ में। ये आ गया एसएचएम गेट। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स। हाँ चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। है ना? मान लो दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, समझाऊंगा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है? दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, मान लो Q2 नहीं था, कैपिटल Q रखते हैं, Q स्मॉल Q। सिर्फ ये था, ये नहीं था, ये बहुत दूर था, बहुत दूर। अब कूलम फोर्स क्या होता है? कूलम फोर्स होता है K Q Q/R², यानी कि फोर्स जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। अगर सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। अरे अगर R टेंस टू इंफिनिटी हो जाए तो F क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये दोनों लार्ज डिस्टेंस पे होंगे तो हम मानेंगे कि इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो इंटरेक्शन नहीं है तो सिस्टम का कोई एनर्जी नहीं, ठीक है? अब मान लो आप इसको दूर से लाना शुरू किए, दूर था, कोई इंटरेक्शन नहीं था, आप पास लाना शुरू किए, ठीक है? अब सर्टेन डिस्टेंस पे लाओगे, मान लो R अब फिनाइट हो गया, तो क्या करेगा ये?
क्या करता है, अपने आसपास का सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब दूसरा चार्ज जब आएगा इसको अच्छा लगेगा क्या? दूसरे पोलैरिटी का होता तो अच्छा लगता, खींचता उसको, है ना, लेकिन सेम पोलैरिटी का है तो रिपेल करेगा, है ना। तो ये चाहेगा नहीं कि आए, तो इधर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। अब जब बाहर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है चार्ज खुद से आप अंदर की तरफ तो आ नहीं सकता, है ना। अब इसको अंदर ले जाना है, अगर हम चाहते हैं कि और पास ले जाएं, तो कम से कम जितना फोर्स ये चार्ज लगा रहा है उतना ही फोर्स हमें अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा, मतलब एजेंट लगाना पड़ेगा ना। अब दिक्कत क्या है कि फोर्स जो है वो फंक्शन है आर, आर का, तो यहाँ पे फोर्स होगा वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे जैसे ही जाओगे वापस फोर्स चेंज हो जाएगा, है ना। तो एजेंट को भी अपना फोर्स चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब आप इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी सर्टेन डिस्टेंस तक लाते हैं, उस प्रोसेस में एजेंट कुछ वर्क करता है, क्योंकि मैं फोर्स भी लगा रहा हूँ, चार्ज डिस्प्लेस भी हो रहा है ना। तो इस प्रोसेस में हम वर्क करते हैं, वो जो वर्क है वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मतलब इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को किसी सर्टेन डिस्टेंस तक रखने में या किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने में जो वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नल के द्वारा, कंडीशन है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि चार्ज को आपको स्लोली लाना है। क्योंकि अगर मान लिया जाए तुम वर्क कर रहे हो और उसका स्पीड बढ़ गया, इसका मतलब तुम्हारा वर्क जो है उसके काइनेटिक एनर्जी में गया, तो फिर हम नहीं बता पाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए कंडीशन है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि स्लोली चार्ज को इनफाइनाइट से सर्टेन डिस्टेंस पे लाएंगे, उस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया जी, वर्क डन, यही होना। मान लो ये कहां पे था, आर पे, उस समय तो वर्क डन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डीएक्स, यही करेंगे ना। अब फोर्स तो कांस्टेंट है नहीं, तो आर पे था तो फोर्स क्या था, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू डी आर, मतलब आर के बाद जब आप डी आर मूव करोगे, ठीक है, उसमें जो वर्क डन होगा उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे, यही करेंगे ना। तो हमने डी आर ही लिख लिया यहाँ पे, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा के क्यू क्यू अपॉन माइनस ऑफ आर, ये हो गया डेल्टा क्यू। अब इसमें लिमिट में डालोगे आप इंटीग्रेट करोगे तो, है ना, कहां से ला रहे हैं, कहां तक, आर तक। तो पुट करो बेटा, हो जाएगा पहले आर पुट करेंगे तो आएगा, हाँ यही आएगा, माइनस के यू क्यू बाई आर। अब डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और ये आया के क्यू क्यू अपॉन आर, ठीक है। एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है, सॉरी। हाँ देखिए, आर हमने यहां से लिया है ना, आर यहां से लिया है, हम मूव किधर कर रहे हैं, पीछे की तरफ, डीआर पीछे है, तो डीआर क्या होना चाहिए, अरे बोलो, ठीक है ना, पॉजिटिव आया। अभी हो गया प्लस यू फाइनल, मान लिया यू, मतलब जहां पे भी आया, इनिशियल क्या था जब इन्फिनिटी पे, तो क्या था, जीरो, के क्यू क्यू अपॉन आर, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का यूनिट हमेशा जूल ही होता है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट।
रिकत नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना, अगर मान लो सिस्टम ऑफ चार्ज है Q1, Q2, ठीक है, Q3, पूछ रहा है कि इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। इसको मान लो R23 है, R12, R12, ठीक है। अब पूछा इस सिस्टम का क्या बताओ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो इसको बनाया कैसे होगा हमने, अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो इसको बनाने का प्रोसेस क्या रहेगा इस सिस्टम को। तो सबसे पहले मान लो हमने क्या किया होगा, Q1 को ला के रख दिया होगा। अब जब मैंने Q1 को सिर्फ ला के रखा उस समय तो कोई यहाँ पे प्रेजेंस था नहीं है ना, तो Q1 को लाने में किसी तरह का कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा, यानी कि Q1 को लाने में कोई वर्क करना पड़ा है नहीं, जीरो। अब Q1 आ गया, अब मान लो हम Q2 को ला रहे हैं, तो जब मैंने Q2 को लाया, तो जब मैं Q2 को ला रहा था तो मुझे इस प्रोसेस में वर्क करना पड़ रहा था Q1 के अगेंस्ट, अरे करना पड़ रहा था ना, तो इसका जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, सॉरी R12, अरे यार अभी लिखा था ना फॉर्मूला, ठीक है, प्लस Q2 भी आ गया। अब Q3 को ला रहा हूं मैं, तो जब आप Q3 को ला रहे होगे तो Q3 को किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा होगा, Q1 के अगेंस्ट और Q2 के अगेंस्ट। तो Q1 के अगेंस्ट जो वर्क किया होगा उसके हिसाब से क्या होना चाहिए एनर्जी, K Q1 Q3 अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस R13। बोलो यार, है ना। अब लेकिन Q3 को Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा है क्योंकि वो प्रेजेंट था ना जब Q3 को लाया गया, तो इसके अगेंस्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, K Q2 Q3 अपॉन R23। यही हो गया सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्लियर है। सवाल ऐसे भी आ सकता है इसको बनाने में कितना एनर्जी लगा, तो बेसिकली इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें कॉम्बिनेशन सिर्फ देखते हैं कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, नॉर्मल लिखना है तो कुछ नहीं, इसके साथ इसका एनर्जी होगा K Q2 Q3 अपॉन R13, इसका इसके साथ होगा K Q1 Q2 अपॉन R12। अब क्या इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसका एक कॉम्बिनेशन बचाना, तो प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। मतलब इतना सोचने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दो जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं सबसे, वही छोटे मोटे सवाल इसमें भी है ना,
क्यों पोटेंशियल एनर्जी बता सिस्टम का, साइड है ए, बता नहीं सकते हैं के क्यू भाई ए के क्यू स्क्वायर भाई ए। हाँ जी कुछ बोल रहे हो बेटा, अरे बोलो। ठीक है के क्यू स्क्वायर भाई ए, के क्यू स्क्वायर भाई ए, फिर के क्यू स्क्वायर भाई ए, चार कॉम्बिनेशन तो डायरेक्ट बनेंगे, एक दो तीन चार, फिर बनेगा इसका इसका और फिर इसका इसका, तो प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट टू है और इसका भी यही आ जाएगा। यही बनेंगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें ऐसे भी सवाल होते हैं, एक दो सवाल देख लो। है ना, सवाल लिख लो। टू चार्ज पार्टिकल हैविंग इक्वल मास, टू चार्ज पार्टिकल हैविंग इक्वल मास m एंड चार्ज q1 एंड q2, m एंड चार्ज q1 एंड q2 are placed at distance r. Are placed at distance r and then released. Find the speed of each charged particle, find the speed of each charged particle when separation between them becomes large. पर यार डिस्टेंस पे रखा हुआ था, दोनों का मास इक्वल है, चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, ठीक है, उसके बाद रिलीज किया गया, रिलीज करेगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा था, है ना, और दोनों सेपरेट होना शुरू करेंगे, तो बोल रहा है कि जो लार्ज डिस्टेंस हो जाएगा, लार्ज मतलब इनफाइनाइट मान के चलना आपको, उस समय चार्जेज का स्पीड बताओ क्या रहा होगा,
क्या ठीक है लगता है? देखिए जो चार्जेस है Q1 है Q2, इनके बीच का सेपरेशन था R, ठीक है, और दोनों इनिशियली रेस्ट में थे। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स है, इस पे लगा रहा है, इस पे लगा रहा है, तो इस पूरे सिस्टम को देखोगे तो वो इंटरनल फोर्स है ना, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि वर्क एक्सटर्नल क्या है, जीरो, ठीक है। तो वर्क एनर्जी सर हम क्या बोलता है, एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो एनर्जी कौन कौन सा होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, और बाद में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फाइनली कंजर्व हो रहा चाहिए ना। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का, अरे बोलो, ठीक है, प्लस इनिशियली दोनों रेस्ट में थे है ना, काइनेटिक एनर्जी जीरो, बाद में जब सेपरेशन लार्ज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या हो गया, आर इनफिनिटी हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 2 × ½ mv², 2 मतलब दोनों को वेलोसिटी मिला होगा ना। अब बोलोगे सर दोनों का स्पीड इक्वल है आपको कैसे पता, है ना, तो मैंने क्या बोला है कि दोनों का मास सेम है, तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको मोमेंटम पे जाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, दोनों रेस्ट में थे जीरो, बाद में मान लिया एक को वेलोसिटी इधर v1 सपोज डिफरेंट ही मान लेता हूँ है ना, दूसरे को वेलोसिटी मिला कितना v2, तो m × v1 + m × v2, बाद में तो ये होगा ना मोमेंटम, अरे होगा ना यार, तो v1 इक्वल्स क्या यार, इसका मतलब क्या है, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इसलिए भी लिया है, ठीक है, गलत बताया था बेटा तू, तू तू बोला था ऊपर, K Q1 Q2 / m × r का रूट, समझ गए, डिफरेंट मास होगा तब भी कर सकते हैं, एक डिफरेंट मास वाला ही देख लो, Q1 था, एक Q है और एक -Q है, ठीक है, दोनों r डिस्टेंस पे थे, जब इनके बीच में डिस्टेंस r/2 हो गया, सवाल लिखना चाहो तो लिख लो, टू चार्जेस हैविंग मास m and 2m, टू चार्जेस हैविंग मास m and 2m, r इनिशियली r एंड मास m and 2m having charge q and minus q,
are released from distance r. Find the speed of each charge when distance between them becomes half. Distance between them becomes half. जब distance half हो जाए कर सकते हैं क्या? Same process है, इसमें mass different है, ध्यान रखिएगा. बारिश हो रही है क्या? मौसम बना हुआ है लेकिन एक नई मैम आई है क्या उधर? कौन सी मैम है वो? कॉलिंग किसके लिए? किस चीज के लिए? रिसेप्शन तो शुरू हो रहा है क्या अभी? अच्छा यहीं पे टूटा है, इनके सामने ही टूटा है.
हो गया बेटा। हाँ क्वाड्रेटिक बन गया। चलो हाँ एनर्जी कंजर्व रहेगा है ना भाई। इनिशियल प्लस फाइनल इनिशियल पोटेंशियल के क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस में है ना आर। ठीक है रिलीज किया था रेस्ट से काइनेटिक एनर्जी जीरो फाइनल हाफ एम बी वन स्क्वायर प्लस हाफ टू एम वी टू स्क्वायर है ना और माइनस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में ही आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन बोलिए एक इक्वेशन तो एक कॉमन होगा। अरे बोलो यार दूसरा मोमेंटम वाला। मोमेंटम वाला कैसे लिखोगे वही इनिशियल फाइनल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स
फाइनल इनिशियल क्या था? एम इंटू वी वन, बोले यार, प्लस टू एम इंटू वी टू, है ना? तो वी टू इक्वल्स बेसिकली आ रहा है वी वन अपॉन माइनस में, हाँ ठीक है, यही आएगा ना? ओके, जीवन को मान लिया वी, जीवन को मान लिया वी, वी टू क्या आ जाएगा? टू वी, वी स्क्वायर, हाँ वी टू हो जाएगा वी बाई टू, सॉरी साला वी टू को मान लिया वी, तो वी वन क्या हो जाएगा? टू वी, है ना? तो वी टू की जगह पे वी, ठीक है? अरे पागल क्यों बना रहा है मुझे? वी वन कौन था यार, उसमें वी वन ऊपर वाला था ना, तो वी टू को मान लिया वी, वी वन क्या हो जाएगा? टू वी, तो यहाँ पे टू वी का स्क्वायर अब आ गया ना। अब क्या क्वाड्रेटिक है? कुछ नहीं है, वी निकाल लो, वी वन निकाल लो तो टू टाइम्स कर देना। अरे बोलो, तो पोटेंशियल एनर्जी पे इस टाइप के सवाल होते हैं, कर सकते हो। हाँ हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे करेंगे? बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जो डिफरेंस तुम्हें इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा ना, बेसिकली वही डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में है ना। तो बेसिकली बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि मान लो कोई चार्ज Q है, ठीक है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो वहां पे Q नॉट चार्ज रखेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे K Q Q नॉट अपॉन R, है ना? फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो क्या हो जाएगा? K Q by, है ना, यूनिट है वोल्ट स्केलर। वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, फोर्स के जगह पे प्लस वन यूनिट चार्ज रख के लिखते थे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आया, के क्यू बाई आर, है ना? तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वेरिएशन हो गया एज अ डिस्टेंस आर, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना? ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, है ना? वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पॉइंट चार्ज के लिए, हाइपरबोलिक, है ना? और कपड़े पहनो, सर्दी है, बैठी हुई है घोड़ के बिल्कुल जैकेट वैकेट डाला करो, अभी सर्दी है, सर्दी लग जाएगी, दो तीन दिन घर पर बैठोगे फिर आराम से।
हम दो तीन डाले रहते हैं फिर भी ऐसा नहीं लगता है। हाँ जी चले आगे। बाकी कॉमन सवाल है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे थे, दो चार्ज हैं Q1 Q2, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, है ना। तो मान लो ये R है, R1 है, R2 है, तो क्या हो जाएगा, के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2। नहीं ठीक है, एक नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा। मैं बना दे रहा हूँ, बाकी तो तुम्हें आता ही है। Q3 मान लो यहाँ पे पोटेंशियल पूछ दिया, है ना, मान लो स्क्वायर है, है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू सेंटर पे पूछ दिया, सेंटर पे क्या हो जाएगा, ऐसे ही देख के बताओ, जीरो होगा ना यार। और मान लीजिए वो ये सब इस टाइप के सवाल मैं बना दे रहा हूँ, सिर्फ करने का नहीं है, तुम्हें दिख जाएगा बुक्स में, है ना। अलग अलग कॉर्नर पे चार्ज दे देगा, सेंटर पे पोटेंशियल पूछेगा, है ना। इस टाइप के भी सवाल होंगे। ये भी सवाल हो सकता है, याद करो Q1 एक मान लो Q1 है, दूसरा माइनस Q2 है, है ना। बोलेगा बताओ जब कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। अरे तो लिख सकते हैं ना, मान लो x है ना, ये क्या था R, तो इसके वजह से लिखेंगे Q1 by x प्लस माइनस, इसके वजह से लिखेंगे तो Q2 upon R minus x। अरे क्या होना चाहिए, तो x का वैल्यू मिलेगा, समझ रहे हो। ये सब कॉमन सवाल है उसे टाइप के जो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स में किए हैं। और हो सकता है रिंग है, ओके ठीक है, चार्ज क्यू दे दिया, पूछा सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एलिमेंट उठाओ क्या आएगा, K dQ upon R, इंटरजेट करोगे क्या आएगा, क्योंकि वही आप, अरे सारा चार्ज इक्वल डिस्टेंस है ना यार, है ना। अगर सेमी सर्कल होगा तो ओहो क्यों, अब क्या आएगा सेंटर पे, फिर वही आएगा, पागल क्या, स्केलर क्वांटिटी है यार, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, किधर है कहाँ पे है, पहले लिखा था ना इधर, कभी लिखा था थोड़ी देर पहले, स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, ये हाफ रहे क्वार्टर रहे कुछ भी हो, सिंपली सारे चार्जेस कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से, आर डिस्टेंस पे, एक तो भैया है ना। अब इसमें करें हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, तब अलग बात है, जीरो है ना, तो इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, तो सब बना लीजिए ऐसे ही, डायग्राम सिर्फ बना लीजिए ताकि पता रहे कि ये सब आता है हमको। टाइम कितना होगा, 12:30, कोई आया भी है, मैसेज लगाए हुए हूँ, अरे मैसेज भी आया है सर, बोर्ड की राइट साइड नहीं दिख रही, अनाम मलिक, राइट साइड कौन सा हो गया है? वो बोलोगा ना, लो बेटा अब लेफ्ट साइड नहीं दिखेगा।
हो गया चलिए लिखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ रिंग लिख सकते हैं क्या लिख के बताओ एक रिंग मान लो उस पे चार्ज क्यू मान लो एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे रेडियस आर मान लो उसका और मतलब सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक्सिस पे किसी पॉइंट पर लिखना है एक्स आर जो भी ले लो स्मॉल आर एक्स सवाल सवाल कर रहे हो ना सवाल करते रहो तभी बनेगा नहीं करोगे तो फिर वही होगा पढ़ के कोई फायदा नहीं ठीक है चार्ज बोला था क्यू मान लेना रेडियस बोला था आर मान लेना सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है कुछ करना ही नहीं है ए आर है क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखोगे तो बेटा क्या हो जाएगा के इंटू क्यू अभी जितने भी चार्जेज हैं सब तो इतने ही डिस्टेंस पे है ना तो के क्यू अपॉन स्केलर क्वांटिटी है डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है नहीं जितने भी चार्जेज होंगे सबके वजह से होगा नहीं नहीं पूरे चार्ज की वजह से होगा ना हर एक चार्ज का अपना पोटेंशियल है ठीक है और किस चीज का निकालते हैं यही है और क्या तो होगा नहीं ठीक है नेक्स्ट देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो कोई चार्ज है Q, है ना, यहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, ठीक है। अब इस पॉइंट पे सपोज मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, Q अपॉन r स्क्वायर होगा ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन r। ओके, ये फर्स्ट है, सेकंड है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं आर के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, बोल रहा हूं रहेगा ना। अब ऊपर ध्यान से देख, डीवी बाई डी आर बेसिकली क्या है ना, यानी कि डीवी इक्वल्स क्या हो गया, माइनस ई टी आर, ए डॉट प्रोडक्ट होता है ई डॉट डी आर। ये अगर फंक्शन है, नहीं है, अगर ये कांस्टेंट है मान लो, तो डेल्टा वी इक्वल ई इंटू जो भी है डी लिख सकते हो, डिस्टेंस मतलब माइनस ई इंटू डी, माइनस आया ना, यहाँ देखना माइनस तो पहले से है, मैं कहाँ लेके आ रहा हूँ। है ना, तो डेल्टा भी क्या हो गया ये, अरे डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, डेल्टा भी इक्वल्स माइनस ए इंटू डी, फंक्शन है तब तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब इसमें दो तीन चीज है, सवाल करके दिखाऊंगा। If electric field is function of x, y, z, है ना, तो जो potential difference V है वो हो जाएगा, ऐसा मान ले electric field मान ले ऐसा है कुछ E x i plus E y j प्लस ए जेड, हो सकता है ना ऐसा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, है ना। तो इस केस में अगर डेल्टा भी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही लिखाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड जे, है ना। और इस केस में हम डी आर को लिखेंगे, डी आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, डी एक्स आई dyj प्लस dz के, अब समझ में आई। तो यहां पे क्या लिखा है, डॉट में है ना, यहां में लिखा है, यहां से वाले यहां, तो डेल्टा भी बेसिकली आएगा माइनस ऑफ ex dx, ठीक है, माइनस ऑफ ey dy, अरे नॉर्मल सा है डॉट में, लिमिट अपना जो भी होगा x1 से x2, इसमें है ना, इसमें बाई वन से बाई टू। अब मान लो ये भी हो सकता है, ई वाई हो सकता है, टू एक्स माइनस थ्री वाई, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन लेके इंटीग्रेशन लेके चलना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ पे x है तो dx यहाँ पे जो है वही वेरिएबल है, यानी कि अगर मैं इस चीज को यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, तो x एज अ वेरिएबल माना जाएगा, यानी x का इंटीग्रेशन होगा, भाई क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि भाई में कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा बाई टू जेड वन से जेड टू, इस तरीके। सवाल अभी दिखाता हूँ करके, thank you.
गया। ये तो हो गया डेल्टा भी लिखना हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से है ना। दूसरा हो सकता है कि अगर पोटेंशियल से हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये भी कंडीशन हो सकता है कि V जो है अगर फंक्शन हो जाए x बाई जेड का, हो सकता है ना यार। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, dV अपॉन dxi, डबा V अपॉन डबा बाई J, डबा V अपॉन डबा Z। बताओ आपको ये क्या है, क्या है इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि ex जो है वो क्या है डबा v अपॉन dx, मतलब इस केस में y एंड z क्या होंगे कांस्टेंट। ये भाई है ना डबा v अपॉन डबा भाई, ये क्या हो जाएगा x एंड z कांस्टेंट, ए z माइनस डबा v अपॉन डबा z, और इसमें माना जाएगा y एंड x कांस्टेंट। समझ गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। मैग्नीट्यूड अगर पूछना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो साल देख लो, बोला गया कि पोटेंशियल जो है रीजन में वैरी कर रहा है, इफ पोटेंशियल वैरीज इन अ रीजन विद फंक्शन वी इक्वल्स then find electric field at point 3, 2, minus 5. Suppose ये सवाल है ना? ठीक है, मान ले सवाल है, लग रही है यार नहीं चाय पीने का मन कर रहा है। कोई है ही नहीं, चाय है क्या, चाय आप निकलवा दी
जी हो गया। देखिए px क्या बोला था, डबल v अपॉन डबल x, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएट किया जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y और z को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। देख लो, लिखना बाद में, है ना। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको, x वेरिएबल है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ये हो जाएगा 6x। यहाँ पे y कांस्टेंट, z कांस्टेंट, जीरो, ठीक है। माइनस सात में चलेगा, माइनस होता है ना यहाँ पे। अच्छा वो बोल रही है, मुझे लग रहा है बोल रही है। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रही है। एक्स लिया ना, तो जो नीचे है वो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। इसका हो जाएगा 8xz, सही लिखा, बोल यार, सही है ना। इस तरह से y को करेंगे माइनस डबल y माइनस y के रेस्पेक्ट में जीरो, 2z, बोलो ये 2 है, एंड माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अरे सही है। इस तरह से इजेड माइनस जेड के रिस्पेक्ट में जीरो, 2 बाई, साला कर क्या रहा हूं मैं। ये गलत कर दिया था ना, बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे थे ना यार, बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बाई वेरिएबल है ना, तो बाकी सब
कॉन्स्टेंट हो गया जीरो, है ना। यहाँ पे क्या आएगा प्लस टू जेड, यहाँ पे बाई तो है नहीं तो ये भी जीरो होगा ना, एक गलत लिख दिया था। माइनस डबा वी अपॉन डबा जेड माइनस, ठीक है। अब जेड क्या है कॉन्स्टेंट तो जीरो, यहाँ पे आएगा बेटा टू बाई, यहाँ पे आएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो एक्स वाई जेड का तीनों में, है ना। ए एक्स मिल गया, ए वाई मिल गया, ए जेड मिल गया। अरे हाँ समझ में आया बात। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही जो भी आएगा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड टी। इसका मैग्नेट्यूड निकालने आता ही आपको। अरे यार पुट कर दिया, यहाँ पुट करना नहीं करूंगी अभी। ठीक है, अरे बोलिए, ठीक है। x का वैल्यू x के जगह पे, z का वैल्यू z के जगह पे। z कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट तो रखा है बेटा, बाहर निकाल दिया ना तो रहेगा ही ना, हो जाएगा कहाँ। अरे यार कोई भी फंक्शन है, ये 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर z यही है ना, तुम कांस्टेंट को बाहर करते हो ना तो 4z तो पहले ही बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, जेड तो रहेगा ही ना, ये कहाँ जाएगा। आज मौसम खतरनाक है, नहीं आज मौसम चले आगे तो कर ही लोगे आप, है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखना चाहते हो तो भी है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो 2xi प्लस 2y स्क्वायर जे प्लस z स्क्वायर मतलब 2z के या 4z के कुछ भी, या माइनस 4z के, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दिया, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो हमेशा दो पॉइंट्स होने चाहिए, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस पूछने के लिए दो पॉइंट होने चाहिए ना, नहीं तो पोटेंशियल पूछेगा तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बताया जाएगा आपको, ठीक है। दे दो हो गया क्या, हाँ बड़ा जल्दी हो गया। बेटा जी आपके क्लास में कहाँ से स्टार्ट करें, जियो सी से करें, जियो सी से करना इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पढ़ तो नहीं दिया आपने। अच्छा जियो सी से स्टार्ट कर लें,
नॉर्मल चेंज का क्यों नहीं करना है? चीजों नहीं करना है ना, वो जैसे राहुल जी को ऑनलाइन का दे दीजिएगा 11 वाला, जैसे इवनिंग में आप मिला सकते हो क्लास, आप आगे तक के इवनिंग को जैसे आज भी 4-5 तक के मिड में है ना, उन्हें फिर आपको समझ में आ जाएगा, और पुराने आप लेक्चर लगा सकते हैं 11 टाइम के नाम से वो ऑनलाइन, ठीक है? तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए क्योंकि वो आप ऑनलाइन समझ जाओगे। मैं जियो की से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक के टाइम पे राहुल जी, नेक्स्ट वीक के टाइम पे शुरू करें, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मान लो 2 पॉइंट दे दिया, 2, 3, 4 एंड बी -4, 2, 7 समथिंग, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोला, क्या करोगे? डेल्टा भी करोगे, ईएक्स माइनस 2x डीएक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 से -4 एक्स वाला, फिर माइनस इसी तरह से बाई स्क्वायर डी बाई, है ना? कहाँ से कहाँ लिमिट जाएगा, 3 से, जो भी है लिमिट है 3 से, तो इस तरह से आगे पुट कर लो, चल जाएगा। समझ गए बात? तो ये दो तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। बारिश हो रही है वैसे भी यार, बारिश नहीं हो रही होगी तो छोड़ दूंगा, ठीक है? बारिश हो रही है तो पढ़ ही लो, नहीं नहीं जा पाओगे, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, टाइम तक कर लेते हैं, टाइम में अगले क्लास में गॉस लॉ स्टार्ट करूंगा, ठीक है? और गॉस इलेक्ट्रिक डाइपोल लास्ट में, क्या छोड़ा है मैंने? प्रिज्म और कर लेंगे वो किस दिन, उसको ठीक है। प्रिज्म में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ा दूंगा, फॉर्मूला बेस है पूरा, उसके मिनिमम डेविएशन के फॉर्मूला याद होने चाहिए। ए स्मॉल होता है तो डेल्टा हो जाता है म्यू माइनस वन इंटू ए, फॉर्मूला चेंज चेंज हो जाता है डेविएशन का, ठीक है? किस दिन कर दूंगा, आधा घंटा चाहे फिर वैसे तो आधा घंटा। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल डिफरेंस नियर, पोटेंशियल डिफरेंस नियर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस नियर इनफाइनाइट लाइन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस नियर लाइन चार्ज, देखिए याद है फॉर्मूला ड्राइव क्या था इनफिनाइट के लिए, क्या आया था? k लैम्डा बाई
है ना, मान लो दो पॉइंट हैं ए बी, है ना, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, इसको बोल दिया आर ए, इसको बोल दिया आर बी, है ना। डेल्टा भी क्या होता है बेटा, वी डॉट डी आर माइनस ई के जगह पे लिखेंगे के लैम्डा बाई आर डी आर, लिमिट कहां से कहां तक, ए से बी, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, वी बी माइनस बी ए, ये डेल्टा भी होता है ना, ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल फाइनल किसको डाला है, बी को, तो बी बी माइनस बी ए, ठीक है। अब बी बी माइनस बी ए आपको अगर पता हो तो वन बाई डी आर अपॉन आर, वन बाई आर का इंटीग्रेशन होता है ln r, तो एक k अपॉन k लैम्डा तो कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा ln r माइनस में, ठीक है। लिमिट आ जाएगा r a से, ठीक है, बी बी माइनस बी ए लिखोगे तो बेसिकली आ जाएगा माइनस के लैम्डा ln r b माइनस r a आर बी अपॉन आर ए। प्रॉपर्टी अगर पता हो तो ln m माइनस ln n होता है ln m अपॉन n, ठीक है। अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आना भी चाहिए, पास में पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूर में पोटेंशियल कम होगा। तुमने दूर वाला माइनस पास वाला निकाला ना, अरे बोलना यार, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, चलिए आज इतना ही, थैंक यू। कल स्टार्ट करूंगा गॉस लॉ, इसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ रहा होगा तो हो ही है, तो गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली हम उसे करते हैं, इसलिए गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सब एक साथ खत्म, और उसके बाद डाइपोल। मेरे पास गाड़ी का है, बाइक ही है, उसी को गाड़ी बोल लो। अभी तो जा भी नहीं सकता, स्नोफॉल हो रहा होगा उधर, नहीं अजनी टॉप में, है ना। इस बार कहाँ जाएगा कोरोना काल में, इधर कभी नहीं गिर रहा जम्मू में, एक दिन गिर जाता कैसे बने। गिरते नहीं देखा ना वो, वैसे गिरते रहे ऐसे ऐसे हटाते रहो, क्या बात। मेरी बिहार पटना, मैं वैसे गया हूँ घुमा हूँ इधर, लेकिन स्नोफॉल होते नहीं देखा। अच्छा, अभी तो ऐसे ही बारिश हो रही है, पता नहीं उधर पहाड़ों पे गाड़ी नीचे गिर गया खाई भाई में, तो अलग है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू।